आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोया तेल में बिकवाली का दबाव अधिक होने से कीमतों में गिरावट आई है। सूत्रों का कहना है कि सोयाबीन की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। सोयाबीन का भाव अभी 4 महीने के निचले स्तर के आसपास ही है और इसमें और भी गिरावट का अनुमान है। आने वाले दिनों में सोयाबीन 6,000 रुपये तक लुढ़क सकता है, जो अभी 6,700 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। रिफाइंड सोया तेल का भाव भी 2.5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि गिरावट आने के मुख्य कारण सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी ऑयल पर आयात शुल्क को खत्म करने, इंडोनेशिया और मलेशिया से सीपीओ और पामोलिन की ज्यादा सप्लाई की उम्मीद, मिलर्स और स्टॉकिस्टों की ओर से सोयाबीन की कमजोर मांग के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में कमजोरी ने भी सोयाबीन के प्राइस सेंटिमेंट्स को प्रभावित किया है। दूसरा, भारत में किसान खरीफ की बुआई की तैयारी में है और इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत है। इसके लिए किसान मंडियों में अपनी सोयाबीन ला रहे हैं और बिकवाली से कीमतों में गिरावट आई है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।